कि स्टाफिस एग्रिया से इनका प्रॉब्लम लगभग 80% तक सॉल्व हो चुका है। इस पेशेंट को बड़ी बड़ी 3-4 प्रॉब्लम थी, जैसे कि रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, लिंग में तनाव की कमी। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली यौन समस्या है, जो कि पिछले 2 साल से इनको प्रॉब्लम हो रहा है यौन समस्या की। इनको लिंग में तनाव की कमी है, इनको इरेक्शन ठीक से नहीं आता है, मन के अंदर लिबिडो कम है, यानी सेक्स के प्रति जो इच्छा होना चाहिए वो इच्छा कम हो चुका है, और ये प्रॉब्लम सडनली इनका अंदर डेवलप हुआ, अचानक से, जस्ट 2 साल पहले अचानक से इनका अंदर डेवलप हुआ है, जिसके लिए ये पेशेंट बहुत जगह से इलाज भी कराया है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, हर जगह से इलाज किया हुआ है, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिल पाया है ट्रीटमेंट से। तो इस पेशेंट को मैंने 2 महीना पहले पूरा थॉरोली केस टेकिंग करके मैंने इनको स्टाफिसेग्रिया होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था, एलम्पोटेंसी में 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। तो 2 महीना पहले हमने इनको स्टाफिसेग्रिया प्रिस्क्राइब किए थे, और 2 महीना जब हो चुका है, ये पेशेंट हमसे फिर मेडिसिन के लिए, आगे का ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट किए है, काउंसिलिंग के लिए कॉन्टैक्ट किए है। तो ये पेशेंट अपना प्रॉब्लम के बारे में क्या लिख रहे हैं, ये अगर आप इनका व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट जो है मैं जो डाला हूँ उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टाफिसेग्रिया से इनका प्रॉब्लम लगभग 80% तक सॉल्व हो चुका है। इस पेशेंट को बड़ी बड़ी 3-4 प्रॉब्लम थी, जैसे कि रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, लिंग में तनाव की कमी, अंदर से इच्छा की कमी थी, इसके अलावा सीमन जो है इनका बहुत पतला निकलता था, इसके अलावा थोड़ी सी इनको स्किन की प्रॉब्लम भी 2 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा सोराइटिक टाइप जो स्किन डिजीज होता है उस तरह का थोड़ा सा इनको स्किन डिजीज भी इनको हो रखा है पिछले 2 साल से। और इस पेशेंट का सिर्फ 2 महीने का कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आ चुका है, 80% तक इनको इंप्रूवमेंट हो चुका है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह लीजिए, लो लिबिडो कह लीजिए, ऑर्गेजम कह लीजिए, आपका सीमन का क्वालिटी कह लीजिए, हर एस्पेक्ट में इनको इंप्रूवमेंट आ चुका है। इवन कि इनका जो स्किन का प्रॉब्लम था वहां भी इनको थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका है। अब ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कुछ मेडिसिन वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किए थे, लाइक लाइकोपोडियम, सिलेनियम, कैलाइडियम, एग्नस कैस्टस, आपका डामिया प्लांट, डामियाना, R41, ये जो मेडिसिन होती है जो बताते हैं यूट्यूब में, ये मेडिसिन भी ये इस्तेमाल किए थे सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर, लेकिन इनको कुछ खास परिणाम वहाँ से भी नहीं मिल पाया है। अब सवाल ये आता है कि स्टाफिसेग्रिया से ही क्यों इनको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, इतने सारे मेडिसिन तो ये खुद भी लिए थे, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर से भी वो इलाज किए थे, तो वो भी कुछ मेडिसिन इनको दिए होंगे, तो इन सभी मेडिसिन से क्यों इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया, जबकि स्टाफिसेग्रिया से इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, इसका आंसर यही है कि रोगी के रोग के नाम पर होम्योपैथी में कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता है। पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम है, लाइकोपोडियम चाइना नक्स दे दीजिए, पेशेंट का घुटने में दर्द है, रूटा रस्टक दे दीजिए, पेशेंट को यौन समस्या है, एग्नस कैस्टस, सिलेनियम, कैलाइडियम दे दीजिए, तो इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर करता है उनका पेशेंट का प्रॉब्लम जिंदगी में सॉल्व नहीं हो सकता है, उनका पेशेंट हमेशा एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर के पास जाता ही रहता है जिंदगी भर। एक क्लासिकल होम्योपैथ को हर एक बार, ईच एंड एवरी टाइम, हर एक नया पेशेंट के अंदर, हर एक नया केस के अंदर उसे अलग तरह से सोचना पड़ता है, उसको फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रीवियस पेशेंट को यौन समस्या थी उसको स्टाफिसेग्रिया दिया तो अभी जो पेशेंट अभी आया हुआ है उसको भी तो यौन समस्या है, इसको भी स्टाफिसेग्रिया दे देंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं, हम लोग हर एक पेशेंट के अंदर अलग अलग एंगल से प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। अब सवाल यह आता है कि इस पेशेंट का अंदर हमने इनको स्टाफिसेग्रिया कौन से एंगल से प्रिस्क्राइब किया है। दोस्तों, इस पेशेंट का प्रॉब्लम शुरू होने का पीछे एक कारण है, एक हिस्ट्री है, एक एलिमेंट आफ्टर बोल सकते हैं, एक मॉडिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है इनका, ये शुरू होने का पीछे एक कारण है, और ये कारण भी 2 साल पहले ही हुआ था, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था उससे जस्ट पहले ये प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद से इनका अंदर यौन समस्या शुरू हुआ है। तो केस टेकिंग के दौरान मैंने इस पेशेंट से सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि आपका ये प्रॉब्लम शुरू होने का पीछे क्या कारण हो सकता है। तो पेशेंट ने मुझे ये रिप्लाई किया कि सर, हमने हस्तमैथुन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा किया है, इसके कारण से हो सकता है ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो जी हाँ, हस्तमैथुन एक कॉज तो जरूर है, लेकिन क्या इसको भी छोड़कर और कोई कारण है, क्या और कोई बड़ा कॉज इसका पीछे चुप कर बैठा हुआ है, तो हमें वो कारण भी जानना पड़ेगा। पेशेंट से हमको सवाल करना पड़ेगा कि क्या आपका लाइफ में कोई हादसा हुआ था, कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो अगर एक जेन्युइन होम्योपैथ को पेशेंट का प्रॉब्लम का शुरू होने का कारण अगर मिल जाता है, अगर कॉजेशन मिल जाता है, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर कॉजेशन अगर कुछ नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, कॉजेशन हमेशा हर केस में होगा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कॉजेशन अगर मिल जाता है, अगर कोई केस में कॉजेशन है, कोई बड़ा एलिमेंट आफ्टर है,
तो अगर मिल जाता है तो फिर ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है पेशेंट के लिए, ये भी अच्छी बात है, डॉक्टर के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि पेशेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करना फिर उसके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ये यौन समस्या क्या, इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हम लोग ठीक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं जिस प्रॉब्लम को ठीक करने के बारे में एलोपैथिक डॉक्टर सोच भी नहीं सकते हैं। तो फर्दर पेशेंट से बात करने के बाद, केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि आज से 2 साल पहले पेशेंट का बड़े भैया का शादी हुआ था और पार्टी के दिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, जिसके कारण से इनका फादर ने इनको भरी सभा में सबके सामने इनको स्लैप लगाया था, थप्पड़ लगाया था और इंसल्ट करके इनको वहाँ से भेज दिया था। तो इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होना पड़ा कि पिताजी ने सबके सामने थप्पड़ लगा दिया, खड़ी खोटी सुना दिया और उनको वहाँ से तबाह कर दिया। इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था पिताजी के ऊपर, लेकिन आखिरकार वो क्या कर सकते, पिताजी है वो रिटेलिएट नहीं कर सकते उनका ऊपर, तो गुस्सा को भी इनको पीना पड़ा। और इस पेशेंट ने अगला 2 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था, कैद कर रखा था और इसी इंसल्ट के बारे में सोच रहा था, इसी मॉडिफिकेशन के बारे में, इंडिग्नेशन के बारे में सोच रहा था वो। और इसी इंसिडेंट के बाद से इनको यौन समस्या स्टार्ट हो गया, साथ में स्किन का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया। तो जो लोग होम्योपैथी समझते हैं, जानते हैं थोड़ी बहुत, तो उनको पता होगा ये जो मैंने इंसिडेंट बताया, ये जो मैं केस बताया, ये पूरी तरह स्टैपिसग्रिया का केस है। पूरी तरह स्टैपिसग्रिया दिए बगैर ये पेशेंट कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो इंजस्टिस, ये जो अपमान, ये जो इंडिग्नेशन, ये जो मॉर्टिफिकेशन इनको झेलना पड़ा, इनका दिमाग को झेलना पड़ा, तो इनका दिमागी तौर पे ये प्रॉब्लम इनका अंदर स्टार्ट हो गया है। सेंट्रल कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम में वहाँ वाइब्रेशन हुआ, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो हमारा इतना बड़ा शरीर को चलाने वाला हमारा मन होता है, हमारा ब्रेन होता है, और इसी ब्रेन से, इसी मन से शरीर का बहुत सारे जो रोग पैदा हो सकता है, ये एलोपैथिक डॉक्टर समझते नहीं है, उनको ये मजाक लगता है। और उसी बेसिस पे हमने इनको स्टैबिसेग्रा प्रिस्क्राइब किया हुआ है और इनका प्रॉब्लम स्टैबिसेग्रा से 80% तक सॉल्व हो गया है। और आफ्टर 2 मंथ मैंने इनको स्टैबिसेग्रा ही प्रिस्क्राइब किया हुआ है 0/6, 7, 8, 9, देखते हैं और इनको कितना इंप्रूवमेंट होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तो इनको 80% अभी इंप्रूवमेंट हुआ है, पूरी तरह इंप्रूवमेंट हो जाएगा मेरा ये मानना है। स्किन डिजीज में कितना इंप्रूवमेंट होता है ये देखने वाली बात है। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूं, सो थैंक यू very much and have a good day।